बैक टू दी सीईटी प्रिपरेशन, लॉजिक, मैथ्स, इंग्लिश एंड एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा सेक्शन बहुत टफ था? ऑब्वियसली फॉर मी मैथ्स इज ऑलवेज टफ पार्ट, क्योंकि बचपन से मेरे को मैथ्स कभी अच्छा लगा ही नहीं. बट फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च जो मैंने प्रिपरेशन की है, मैं इतना फोकस था कि एट द एंड ऑफ माई जर्नी, लाइक जनवरी फेब मार्च में, आई लिटरली स्टार्टेड लाइक लैकिंग डूइंग मैथ्स. हाय गाइस, वेलकम टू महाराष्ट्र एमबीए सीटी पॉडकास्ट वीडियो. टुडे वी हैव मोहम्मद अदनान सौदागर. ही इज फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड ही स्कोर 96.46 परसेंटाइल इन एमबीए सीटी 2023 एग्जामिनेशन. सो अदनान, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर स्कोर. वन थैंक यू सेकेंड. सो मच सर, थैंक यू सो मच. सो बिफोर वी स्टार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ. आई मीन, हाउ, वॉट इज योर अकेडमिक बैकग्राउंड? And how and when you started your MBA CET preparation? Okay, so I was born and raised up in Mumbai. So I've completed my graduation in 2019, and after that, like 3 to 4 months after that, I was looking for a job. तो कोई जॉब ऐसी मिल नहीं रही थी मुझे. सर्च किया मैंने फेब तक, 2020 फेब तक आई वाज लुकिंग फॉर जॉब, कोई जॉब मिल नहीं रही थी. तो चाहे फिर किसी के थ्रू मालूम पड़ा एमबीए भी कर सकते हैं, फर्दर स्टडी करना ज़्यादा बेटर है टू ग्रैब मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब. तो देखा मैं, फिर देखा कि अभी सीईटी मार्च में, मैं फेब में था, सीईटी मार्च में, तो टाइम तो बहुत कम है, पता चल फिर भी ट्राई कर लेते, देखते क्या है, कैसा होता है. तो फिर मैंने अप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, सब आ गया, ऑल टिकट वगैरह आ गया, सब हो गया. तो आई रिमेंबर एग्जैक्टली 15 डेज थे एग्जाम को, और मैंने एक ट्यूटर हायर किया था, मेरे फ्रेंड के ट्यूटर था, तो मैंने हायर किया था. तो जो मैन्युअली पढ़ा रहे थे घर पे आके, अपार्ट फ्रॉम द जो अपने लाइव क्लास मेन्यूअर का जो वेलकम बैच था, वो ज्वाइन करने के अलावा और भी ट्यूटर? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2020 सर. अच्छा, 2020. ओके ओके. यस या 2019 में आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर 2020 में आई वाज गिविंग सीईटी अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके ओके. तो यस, तो 10 to 15 days थे बाकी इसमें. तो प्रिपरेशन किया, तो रियली सर सर ने ऐसा पढ़ाया कि एग्जाम के बाद मैंने तो क्विट ही कर दिया. मैं बोला भाई ये नहीं होएगा मेरे से, ऐसा था ये. ओके. तो उसे फिर 2020 में मुझे परसेंटाइल 27.97 समथिंग ऐसा आया था. ओह, इतना कम. तो हाँ, तो मैंने छोड़ दिया, बोला कि भाई ये इतने बस की बात नहीं है. पढ़ाई एकदम अलग ही लेवल लग रही थी, बोला क्या पढ़ाई है ये, सब समझ ही नहीं आ रहा है. तो 2020, फिर उसके बाद 2020 के एंडिंग में, मैंने ईयर एंड में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. कुछ महीने वो चला, फिर थोड़ा बिजनेस ऊपर नीचे आया, बंद करना पड़ा. देन आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, आई वर्क देयर फॉर फ्यू मंथ्स, देन आफ्टर दैट इंटर्नशिप किए थोड़े बहुत, और एंड में फिर 2022 के मतलब मार्च अप्रैल में आई वॉज लुकिंग फॉर लाइक क्या करें अभी आगे. तो सेप्टेम्बर में आई मेड माई प्लान कि हाँ भाई अभी एमबीए करना है, और एमबीए करना है तो सीधा एंट्रेंस एग्जाम एकदम फोड़ देना है. अक्टूबर में शुरू किया मैंने प्रिपरेशन, जिससे आपने बताया कि मैंने ज्वाइन किया था आपके मैनूवर कोचिंग अक्टूबर में. तो अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट मार्च तक मैंने पढ़ाई की. ओके, रेगुलरली. ओके, सो जो 2020 में ट्विटर ने पढ़ाया था वो, और जब आपने मैनूवर का कोचिंग ज्वाइन किया, तो क्या डिफरेंस लगा? सर जमीन आसमान का फर्क है. जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो कुछ मेरे को अब बेसिक टॉपिक ब्लड रिलेशन, उसी में मैं अटक गया था. वो जो पढ़ा रहे थे तो मुझे ब्लड रिलेशन ऐसा लगा कि मतलब ये तो मेरे को सम ज्योमेट्री से भी हार्ड लग रहा था ब्लड रिलेशन जब उन्होंने पढ़ाया मुझे. तो इसके लिए मैंने फिर तो क्विट ही कर दिया, बोला कि ये सब चीज़ें इतनी हार्ड है तो मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा. तो मतलब बहुत, और फिर जब आपने आपसे मैं सीखा ब्लड रिलेशन, तो एक वो मेरा था पहले का डर ब्लड रिलेशन को लेके, ये बहुत हार्ड चीज है, चलो करते करके देखते हैं. तो आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखे मैंने आजाद सर के, तो वो मैंने देखा तो बोले तो बहुत ईजी चीज है, इसके लिए इतना डर रहा था, ये तो बहुत ईजी चीज है जैसे आपने पढ़ाया समझाया, तो काफी फर्क है आपके उनमें. So, ये एक difference होता है ना, ideally, though, मतलब, the coaching knows entire curriculum of the examination. An individual को एक दो subject के बारे में maybe knowledge हो, but
प्रोवाइडेड अगर उसने सीईटी लिखा है तो उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि भाई हाँ सीईटी व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, बिकॉज एवरी एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम. सो सिलेबस तो पढ़ना ही अपने को, बट एग्जाम को जो अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस यू सेड राइट. सो व्हाट बिजनेस इट वाज? सो माय डैड यूज्ड टू ओन अ जिम बिफोर लॉकडाउन. ओके. सो आई स्टार्टेड माय ओन जिम. It was with my friend in partnership. I was doing that. Okay. In 2021, then again lockdown came in 21 again. I started my business in 2020 December, and then in 21 lockdown came. So I have to wind up my startup and something else. And then job jo aapne join ki uske baad, wo kis form mein, kis domain mein tha? Ji, wo Ideonics company ek hai. Okay. So usme maine join kiya tha. Coaching company, वो भी. Okay. So I was an acquisition editor over there. Okay. So I worked there for a few months and then. Okay. Internship भी मैंने इसी में किया था मैंने पहले. Okay. So let's come back to the CET preparation. ये experience ये सब पूछने का reason कि कितने experience हुए. ये actually ये सब काम आएगा आपको आगे जब भी अगर आप PGDM program के लिए जा रहे हो. So that will help you. Being a fresher और एक experienced person जो working है थोड़ा फर्क होता है. थोड़ी एक maturity understanding भी आ जाती है. बचपन से मैथ्स कभी अच्छा लगा ही नहीं. Okay. But from October to March जो मैंने preparation की है मैं इतना focus था. At the end of my journey, like January, February, March, mein, I literally started like lacking doing maths. So I started maths pe focus karne lag gaya. Kyunki toh main focus tha ekdam padhai ko leke. So itna maine maths baaki subjects ke comparison mein maths mein double hi karta tha hamesha. Kyunki mujhe pata hai weak part hai. Us chakkar mein mujhe pasand bhi aane lag gaya. Kafi matlab started loving doing maths. Okay. And English to सही था. इंग्लिश लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मैंने लास्ट 15 टू 20 डेज पहले प्रिपरेशन किया उसका. तो उसका इतना इशू नहीं है, वो तो इजी होता है. बाकी इंग्लिश वाज गुड एंड लॉजिक इज आल्सो गुड. ओके. आइडली सीईटी इज द स्पीड वाला एग्जाम, मतलब भागना है अपने को और 10-20 क्वेश्चन तो वैसे भी छूटने हैं. सो एक्चुअल एग्जाम में क्या हुआ था, एक्सपीरियंस क्या है एग्जैक्टली? ओके. सो एक्चुअली जब मैं गया तो मैं बहुत लेट हो गया था मेरे को हॉल में जाते जाते. ओके. ऑलमोस्ट लाइक 10 टू 15 मिनट्स बाकी थे तब जाके मैं हॉल में पहुंचा. फिर आई वेंट देयर सेटल डाउन. फिर उसके बाद एक 5-10 मिनट लगे मुझे रिलैक्स होने में, एकदम भाग दौड़ से आया था मैं. फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में पैसेज आ गए अपना इंग्लिश का. हाँ, इंग्लिश के पैसेज आ गए. तो वो मैंने किया तो काफी मतलब मुझे लगा ये मुझे स्किप करना पड़ेगा अभी के लिए क्योंकि बहुत लंबे लंबे दिख रहे हैं. मुझे लगा 4-5 क्वेश्चन है इसके. तो मैंने किया फिर बोला कर लेते ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा इतना. इसमें ये किया ऐसे 2 पैसेज आ गए. फिर 2-3 पजल भी आ गए तो पेपर का स्मूथ जो है ना वो एक स्मूथ में चलने लग गया अपना एग्जाम. ओके. फिर उसके बाद काफी अच्छा गया पेपर मेरा. मैंने ऑलमोस्ट 170-180 मैंने खुद से अटेम्प्ट किया. बाकी फिर फ्लूक मारे मैंने बात किया 20-30 बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए आपको हार्डली 1 मिनट भी नहीं मिलता है. तो फ्लूक तो मारना ही पड़ता है एंड में. छोड़ने से अच्छा मैंने सब फ्लूक मार दिया है एंड के 20-30 क्वेश्चन. सो 170 वाज जेन्युइन अटेम्प्ट, बाकी तुक्का मटका गए. ऑलमोस्ट लाइक 170-175 यस. ओके. सो मेनूवर का मॉक लिखा था आपने? यस डेफिनेटली, काफी हेल्प किया मेनूवर का आपने. ओके. So how was your, how much was your score in the maneuver mock? So मैंने total 12 mocks दिए. Okay. And for when I gave the first mock, so मुझे उसमें almost 70-80 आए. मगर मैंने fluke इसमें भी नहीं मारा. Okay. कोई भी mock मैंने fluke नहीं मारा. Okay. तो खाली general attempts किए मैंने. तो mock से एक फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे time management करना आ गया काफी अच्छे से. Correct. CET को लेकर के हास करके टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉक्स से तो मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ. तो
एंड का जो मॉक दिया मैंने उसमें मुझे 91-92 आया, सबसे हाईएस्ट मेरा वही था मॉक्स में. बट मुझे एक पता था कि अभी मैंने ये सब जेन्युइन अटेम्प्ट्स ही किए, मगर अगर मैं एग्जाम में मैं थोड़ा फ्लूक वगैरह भी मार लूंगा तो काफी इसमें बढ़ी जाएगा. तो मॉक्स और मॉक्स थोड़े काफी हार्ड भी थे जब मैंने कंपेयर किया एग्जाम्स से, तो मॉक्स काफी हार्ड थे. एक्चुअल एग्जाम से एक स्टेप टफ ही होता है एक्चुअली में. जी तो एक मतलब बेनिफिट भी मिल जाता है कि अगर एग्जाम में चलो अगर हार्ड आ गया तो फिर मैनेज कर लेंगे, इजी आया तो फिर वी कैन मैनेज द पेपर. यस. डू यू थिंक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव डन सम ऑफ द मिस्टेक्स व्हिच वन शुड नॉट डू दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट? मिस्टेक तो मैं यही कहूंगा कि टाइम को यूटिलाइज कर लो भरपूर तरीके से ना, तुमको टाइम मिल रहा है तुम उसको फोकस करो. फालतू में अगर आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है आपको बस टाइम कम है. वीडियो गेम जो है कंपटीशन है, आपको दूसरों को बीट करना है, तो ज्यादा मार्क्स दिलाना है, दूसरों को बीट करना है, किस तरह आप आगे जा सकते हो. वो आपको अपना जितना आप टाइम दोगे प्रिपरेशन के लिए उतना आप लोगों से एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहोगे. तो ये मेन चीज है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस्ड रहना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन. यू हैव टू बी फोकस्ड कि क्या करना है मुझे, ओके क्यों कर रहा हूँ मैं एमबीए दे रहा हूँ, तुम्हें एंट्रेंस दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, वो आपको दिमाग में रखना है. फोकस आपको चलना है आगे. करेक्ट. ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डू यू थिंक कि मेरा ऐसा हुआ था बैटरी डाउन मोमेंट आ गया, अरे यार अभी तो मुश्किल लग रहा है छोड़ देते हैं नहीं हो रहा है? नहीं, ये टाइम तो कुछ भी नहीं लगा. अक्टूबर से जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया वो मेरा माइंड सेट नहीं थी, आई वाज फोकस्ड ऑल द टाइम. ओके ओके. सो सिंस यू हैड अ प्रायर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द सीटी तो शायद से वो नहीं हो रहा. ओके यस. लास्ट क्वेश्चन Adnan, what tips or the session you want to give to upcoming year aspirant, those who are targeting for 24, 25, 26 examination, CET ko ya other MBA entrances? वही main thing है, stay focused and तैयारी करो अच्छे से और focus रहो और अपना mocks देते रहना. Mocks is very important. Mocks आपको अपना खुद का आपको मालूम पड़ता है कि आप कहाँ पे हो अभी, आपको काफी time management आता है आपको और काफी आपको सीखने मिलता है mocks से. तो mocks is very important. मैक्सिमम यूज करके आप एग्जाम निकाल दो एंड एटलीस्ट एंड अप विद द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस. इसके बाद दोबारा रिपीट करने के बारे में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पेरेंट्स थोड़ा कम करते हैं यार अभी छोड़ कुछ और कर ले वगैरह वगैरह, ये होता है. दूसरी चीज, स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन, डू राइट द मॉक टेस्ट, डू हैव रिटन एनालिसिस ऑफ द मॉक, जो भी गलतियां कर रहे हो उस पर फोकस करो और जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उसको और बेटर बनाओ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम वाले दिन सेंटर पे जल्दी पहुंचो. आपको एकदम पैनिक होकर प्रेशर में नहीं जाना, एक दो डेढ़ घंटा में हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले पहुंच जाओ, बिकॉज आप वहां पे बैठ के एक शांति से रिलैक्स माइंड से और क्या है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे आप तो काम माइंड रहेगा, तो पेपर चालू हुआ तो फट 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 फिर दिमाग चलाना है अपने को. बट हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं लेट पहुंचने के चक्कर में कि जो जो एनर्जी यूज करनी थी एग्जाम में वो हमने यहाँ यूज कर ली. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैं देखता हूँ कभी अपने एग्जाम हॉल के बाहर लोग अभी भी पढ़ रहे हैं या कुछ अपना समरी कर रहे हैं, अपना रिवाइज कर रहे हैं. वो ये समझ में नहीं आता है क्योंकि ये टाइम पे आपको रिलैक्स रहना है. अभी आप और पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, कुछ आपको लगे कि याद किया था मैं भूल गया, भूल गया. तो वो स्ट्रेस में आ जाओगे. तो रिलैक्स रहना है आपको, जो आपने प्रिपरेशन की है 6-8 महीने की तो वो इनाफ है. अभी आप आधे घंटे में कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं वाले. करेक्ट. सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस पॉडकास्ट. लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड इन दिस पॉडकास्ट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स अदनान आल्सो हैव शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, how he has managed to prepare for the examination and 2020 mein he prepared, then 2021 fit, 2022 abhi 2023 crack hua hai, so there is a work experience also involved. He studied his own setup fir wo usse shift hoke he switched to the job and all. So keep focus with respect to your entrance preparation and be dedicated, result aayega, acha college apne ko definitely milega. And Adnan, once again, congratulations for your score and all the best for your career. Bye-bye. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye, sir. Take care. Bye. Bye.